सारे अनु सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड आई एम रियली सो सॉरी गाइस कि मैं काफ़ी दिन से गायब था यूट्यूब से, बट स्टिल मेरे भाइयों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, काफ़ी बंदों ने प्यार दिया और बोला कि भैया प्लीज़ से वापस आ जाओ। तो भाई लोगों, वापस आ चुका हूँ मैं। एनीवेज भाई लोगों, आज कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करनी है मुझे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मुझे करवानी है हिमालयन की सर्विस और सर्विस में मैं आप लोगों को साथ लेके चलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, फिर आप बोर होने लग जाओगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम हो चुका है अभी 2:44, 25 अप्रैल। हाँ जी, तो अभी अपने पास मोस्टली एक महीना है, एक महीना किस चीज़ के लिए है तो वो बताएंगे जल्दी आपसे। एनीवेज भाई लोगों, मैं अपनी हिमालयन के लिए क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ, क्या ऑयल यूज़ करता हूँ, साथ में क्या क्या एक्स्ट्रा यूजेस करते हैं अपन अपनी हिमालयन की सर्विस पैम्परिंग के लिए, तो इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहना। और होप करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा बनने वाला है शायद से, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ ना, तो ट्राई यही रहेगा कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ आप लोगों के लिए। एनीवेज भाई लोगों, जल्दी से चलते हैं सर्विस सेंटर। मैंने अपना हेलमेट निकाल लिया है, हेलमेट में ना काफ़ी टाइम से मैंने गोप्रो का माउंट हटा दिया था, स्टिल अब दोबारा लगा देता हूँ क्योंकि आगे अब काम आएगा। और व्लॉगिंग चाहता हूँ कि मैं रेगुलर कर पाऊँ, बट क्या करूँ यार, बिज़नेस भी संभालना पड़ता है तो शायद नहीं हो पाता पूरा। एनीवेज तो अभी निकलते हैं यहाँ से, हेलमेट उठा के, जैकेट वैकेट पहन के हिमालयन को लेते हैं। कुछ बातें हैं जो आपसे रस्ते में मैं शेयर करता हूँ। ये अपन ने कर दिया यहाँ पंच, एक बार इसकी माइक भी टेस्ट कर लेते हैं, मुझे काफ़ी दिनों बाद लगाया तो ये ना हो इतना अच्छा व्लॉग बने और लास्ट में पता लगे भाई साउंड ही नहीं आया। हेलो हेलो हेलो, वेंडर साइलियो, वेंडर साइलियो, हेलो हेलो, जस्ट जोकिंग गाइस, चेक करना जरूरी है। हेलो हेलो हेलो, वेंडर साइलियो, वेंडर साइलियो, हेलो हेलो, परफेक्ट। तो चला जाए जी, बस एक बार मैं जैकेट पहन लेता हूँ, ऐसा लग रहा हूँ ना सो के उठाऊँ, बट नहीं, फैक्ट्री से आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। सो हियर वी गो नाउ। एंड कल ही मैंने इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया था क्योंकि बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। कुछ भाई लोग समझ भी गए होंगे कि ये सर्विस पे जा रही है तो मतलब बाइक कहीं लॉन्ग राइड पे निकलने वाली है। जी हाँ, लॉन्ग राइड पे निकलने वाली है, बट एक छोटे से टाइम के बाद, मतलब एक छोटा सा टाइम के बाद, करीबन 15 दिन या महीना भर, रूट्स जो हैं वो ओपन नहीं हुए हैं। तो इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि रूट्स ओपन नहीं हुए तो कहाँ जा रहा हूँ। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है भाई लोगों। एनीवेज भाई, मेरी बाइक है ना 10,000 किलोमीटर चलने वाली है और जो उसका जेन्युइन रिव्यू है ना, कभी आप मेरे को बोलोगे तो उसका जेन्युइन रिव्यू मैं डालूंगा, बना दूंगा एक व्लॉग, बट मेरे को बताना। बट मेरे जेन्युइन रिव्यू के हिसाब से तो भाई दिस इज़ बेस्ट। बट आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वारीज हो एक हिमालयन को लेके, एक राइड के पर्पज से, किसी भी चीज़ से, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी नीचे आ रही है, तो वहाँ आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो मैं जो बाइक की सर्विस करवाने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ मैं बछामदी मोटर्स, और बछामदी मोटर्स पे यार एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ नहीं है एज इट इज़, बस बाइक वहाँ से ली थी और अभी मेरी लास्ट सर्विस है फ्री सर्विस में, तो इसकी लास्ट सर्विस है वो वहीं से करवा लेता हूँ। देन उसके बाद फिर सोचेंगे बाद में कहाँ करवानी है, क्या करवाना है। तो अभी चलते हैं बछामदी मोटर्स, और मैंने 2 दिन पहले उनको बोल भी दिया था, ये हमारे भरतपुर की सड़कें हैं ना भाई, वो बनी हिमालयन के लिए हैं शायद से, मुझे लगता है कभी कभी यार। अभी से इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लग रही है, आगे क्या होगा, मेरे को जब राइड पे जाना होगा तब क्या हाल होगा मेरा, मुझे खुद सोच सोच के कभी तो डर लगता है। बट जी, झेला जाएगा, मेरी भगवान से, ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है, जिस दिन मैं राइड पर निकलूँगा ना, यहाँ से लेके और उस ठंडे इलाके तक पहुँचने तक, या तो धूप मामा जी को मना कर देना, सूरज मामा जी को ना आए, अगर वो आते हैं तो थोड़ा सा हवा पानी अच्छी सी रखना है, या फिर बरसात भी रखोगे तो चलेगा मुझे। मैं बरसात में राइड करने के लिए बहुत तरसता हूँ और मेरा मन बहुत करता है, लिटरली दुनिया पता नहीं क्यों बरसात से पीछे हटती है, बट मेरे को बरसात में लिटरली बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अलग लेवल का फील आता है मेरे को। आज बेबी को, बेबी के मायके लेके जा रहा हूँ, है ना बेबी, मायके जा रही हो आप, ससुराल से तो बेचारी जस्ट अभी आई है निकल के, और ससुराल में बेचारी खड़ी रहती है तो डेढ़ डेढ़ दो दो महीने एज इट इज़ खड़ी रहती है, स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। बट आज ये मायके जा रही है तो आज ये मायके जाके बहुत शिकायत करने वाली है दामाद जी की, तो बेबी ज़्यादा शिकायत मत करना, मायके वाले लड़ेंगे, मेरा बिल फाड़ देंगे अच्छे से। ये आ गया भाई सर्विस सेंटर, यहाँ तो मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा। क्या हाल है दुष्यंत भैया, नमस्ते, कैसे हो, कितनी देर लगेगी, हैं
फ्री है करवाओ। रॉकी भैया कहाँ है? छोड़ गए। और वो बड़े वाले अंकल? अरे भाई पीछे से तबाहियाँ हो गई हैं, मतलब चक्कर नहीं लगता भाई। सो फाइनली वी आर एट बछामदी मोटर सर्विस सेंटर और अपनी जो रानी है वो यहाँ आ चुकी है। सर्विस के लिए अपन क्या ऑयल यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ करने वाले हैं? तो पहले वॉश होगी भाई या फिर सर्विस होगी? पहले पहले वॉश होगी। तो पहले अभी तो जा रही है बाइक वॉशिंग पे, तो वॉशिंग करवाते हैं पहले। देन उसके बाद इसमें डलवाएंगे एक कैस्ट्रोल का शैम्पू, इंजन शैम्पू। तो इंजन शैम्पू क्या वर्क करेगा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा कि कहाँ क्या यूज़ आता है इंजन शैम्पू। और जो बाइक है लिटरली बता रहा हूँ अभी तक 10,000 किलोमीटर तक इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे को अभी तक 1% दिक्कत नहीं आई, नॉट अ सिंगल 1%। और भाई बात करी जाए इसमें एसेसरीज की तो टू मच लोडेड है, और हिमालयन से प्लीज़ कंपेयर मत करना, मेरी हिमालयन को बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, जितनी की बाइक नहीं उससे ज़्यादा एसेसरीज लगी हुई हैं इसमें। दुष्यंत भैया इसको वॉशिंग पे डलवाओ। कितनी देर? आधे घंटे में। आधे घंटे वॉशिंग के लिए? तो बता मेरे कितने देर में फ्री कर दूँगा? डेढ़ घंटे से पहले प्रॉमिस कर रहे हैं, तो मतलब अभी टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं, तो मतलब है 4:30 बजे तक फ्री। कोई बात नहीं, हमने इनको टाइम दिया 5 बजे तक फ्री करवा देना। सो बाइक की वॉशिंग तो हो चुकी है कंप्लीट, बस वो थोड़ा एक बार कपड़ा उपड़ा लगा रहे हैं और शैम्पू वगैरह साफ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अपन इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये है जी एक कैस्ट्रोल का इंजन शैम्पू, और ये क्या वर्क करता है वो भी जल्दी बताऊँगा मैं आपको, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। और ये आएगा भाई 420 रुपीज़ का अमेज़ोन से, नो सॉरी 380 का, हाँ 380 का, 420 का तब है जब आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो। तो मैं एक्चुअली मेरे पास अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैं थोड़ा गरीब हो गया हूँ अभी जब से भूसा लिया है, तो मैंने एक्चुअली POD कर दिया था, मैंने बाद में ध्यान दिया यार ये तो 40 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, तब तक ये घर आ चुका था, कोई बात नहीं। और साथ में अपन यूज़ करने वाले हैं भाई Futurine, माय फेवरेट वन। इसका जो हीटिंग प्रॉब्लम है ना भाई बहुत रिसॉल्व हो जाता है, मैंने एक बार क्या दो बार यूज़ किया हुआ है। मेरी लास्ट जो भूसा थी जनरेशन 2 उसमें भी मैंने ये यूज़ किया था। थोड़ा शोर आ रहा है, अभी मैं आ चुका हूँ एक वेटिंग रूम में, सर्विस सेंटर के वेटिंग रूम में। तो अब अपन बात करने वाले थे भाई Futurine की। Futurine मेरे को पता नहीं क्यों ट्रस्टेबल ब्रांड लगता है, क्योंकि मैंने जनरेशन 2 में इसकी एक बार सर्विस करवाई थी, लास्ट सर्विस, और इसमें मैंने शायद अपनी वो भूसा 2,000-3,000 किलोमीटर चलाई भी थी। तो यार इसकी ना मुझे दो चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक तो स्मूथनेस, बाइक की जो स्मूथनेस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, एंड सेकेंड हीटिंग प्रॉब्लम। ऑयल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है हीटिंग प्रॉब्लम का। तो इसका जो टेम्परेचर है भाई वो 10W50 है, और सॉरी 15W50, ये आप देख लो 15W50 एंटेक प्रो। तो आप इसके बारे में कभी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा अलग से, क्योंकि ये जो मेथड्स होते हैं ना साइंस के जो पॉइंट्स है इसमें 15W50, लाइक आप इसको कोड कह सकते हो या फिर एक मतलब कैसे समझाओ एक सीरीज कह सकते हो इस ऑयल की, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में समझाऊंगा। कैस्ट्रोल इंजन शैम्पू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके तब जब आप एक पहले मैंने जो आपको पता है लेकी मोली से सर्विस करवाई थी इसकी, तो अब अपन ऑयल का ब्रांड चेंज कर रहे हैं, तो ऑयल का जो हर किसी का ऑयल की थिकनेस एंड थिननेस अलग अलग होती है, तो पहले वाले ऑयल को पूरा क्लीन करें। और पूरा क्लीन कैसे होगा वो इंजन शैम्पू से ही होगा। कैसे ये शैम्पू यूज़ करना है, कैसे Futurine यूज़ करना है, और साथ में अपन क्या क्या डलवा रहे हैं। एयर फिल्टर होने को रीयूजेबल होता है, बट मैं नया डलवा रहा हूँ क्योंकि जो अपनी राइड है वो बहुत लंबी है, और मोस्टली मेरे हिसाब से 50% जो वो राइड है वो पूरी ऑफ रोडिंग है, तो उस राइड में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में एक ये इनका रॉयल एनफील्ड का ऑयल फिल्टर, तो ये भी मुझे चेंज करवाना है। सो नंबर लग चुका है सर्विस का, अब स्टार्ट करते हैं अपन इंजन शैम्पू से, कैस्ट्रोल इंजन शैम्पू। इसकी जो क्वांटिटी है वो है भाई 300 ml, 300 ml आपको किस चीज़ में और कितना यूज़ करना है ये होता है, 5 से 6 लीटर यूज़ में, जब 5 से 6 लीटर ऑयल है तो उसमें ये पूरा 300 ml डलता है। तो मेरी बाइक में डलता है 1.8 लीटर, तो इसमें मेरे हिसाब से 150 ml बहुत है, 150 ml अपन इस बाइक में अपनी डालेंगे एक अंदाजे से, इसमें कोई कैपेसिटी का कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है,
एक अंदाजे से मैं डाल दूंगा इसे, फिर मैं इसको बाइक को 10 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ देंगे, जिससे जो ये ऑयल में अच्छे से घुल मिल जाएगा, सारे कंपोनेंट्स में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा, सारा जब उसका माल पानी निकलेगा ना बहुत गंदे वाला निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, पहले ये ऑयल कैप रिमूव करना है जहाँ से ऑयल अपन डालते हैं, ना कि नीचे वाला कि जहाँ से अपन ऑयल निकालते हैं। देन उसके बाद ये इंजन कैस्टर ऑयल शैम्पू डालेंगे इसमें करीबन 150 ml एक अंदाजे से, फिर बाइक को 10 मिनट के लिए स्टार्ट करूँगा। तो अभी इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये भैया डाल रहे हैं इंजन शैम्पू एक अंदाजे से, भैया आधा डालना है, कहीं पूरा डाल दो आप, आइडिया हुआ आपको? हाँ ठीक है डाल दो। इसमें अब आधा डाल चुके हैं अपन, और यहाँ अपन इसको तो कर देते हैं बंद, इसका कैप लगा के भैया बाइक को 10 मिनट के लिए चालू कर दो। टाइम लगा लेते हैं अपन, 3:30 हो चुके हैं फ़ोन में, तो होप सो 3:40 तक अपन को उसको बाइक को ऑन रखेंगे। तो यहाँ बाइक स्टार्ट हो चुकी है, 10 मिनट के लिए चलते हैं बाइक से थोड़ा दूर, बहुत ज़्यादा साउंड आएगा। सो बाइक स्टार्ट हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम देख लो भाई, बस 2 मिनट और बाइक स्टार्ट रखेंगे, देन उसके बाद इसका ऑयल रिलीज़ करेंगे। तो उसकी जब एक गंदगी निकलेगी ना, वो बहुत अच्छे से देखने दिखाने लायक होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो डला हुआ है वो है भाई कैस्ट्रोल का इंजन शैम्पू। अंदर की जितनी भी गिरारी कंपोनेंट्स जो भी लोहे के प्लास्टिक के जो भी होते हैं ना, तो उसका अच्छे से कचरा वगैरह सब साफ लेके करेगा वो, तो इसलिए मस्ट रिकमेंडेड आप प्लीज़ हर 2 सर्विस के बाद तीसरी सर्विस पे इंजन शैम्पू या इंजन फ्लश किसी भी नाम से आपको मिलता है तो आप प्लीज़ उसको यूज़ किया करें, बाइक के एक इंजन के लिए बहुत अच्छा होता है सीरियसली। तो ये लो जी टाइम हो चुका है बाइक बंद करने का, बाइक बंद कर दी है और टाइम ये देखो पूरा हो चुका है। और अभी यहाँ भैया थोड़ा चैन ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो चैन सही कर रहे हैं, आई मीन लूज़ किए थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। देन उसके बाद एक अपन ने ली है मेंटेनेंस किट, ओहो सॉरी ये गिर गई, ये है चेन मेंटेनेंस किट रॉयल एनफील्ड की तरफ से। इसमें 2 क्लीजनर निकलते हैं और एक ल्यूब निकलता है, ये मतलब एक 1000 किलोमीटर के लिए बहुत अच्छी किट बनाई हुई है, 1000 किलोमीटर तक ये यूज़ हो जाएगी, 2 टाइम्स यूज़ हो जाती है। टू रिलीज़ द ऑयल फिल्टर, इसका जो ऑयल फिल्टर है वो लेफ्ट हैंड पे ही लगता है इस जगह पर, और ये देखो भाई ऑयल की गंदगी, ये फिल्टर है इसका छन्नी सा होता है, कैप्सूल फिल्टर होता है। अच्छा अच्छा वो ऑयल फिल्टर उधर है, ये सेक्शन फिल्टर है, ये जो है भाई वो सेक्शन फिल्टर है, ये रियूजेबल होता है, मतलब दोबारा से यही लगेगा, ठीक है ऑयल फिल्टर नया डलता है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू चेन क्लीनिंग, अभी पहले ये लोहे की पुश्ती साफ कर रही थी, नाउ इट्स टाइम टू चेन क्लीनर, थोड़ा सा अपने यूज़ कर लेते हैं, बाकी तो भैया यूज़ करेंगे वहाँ पर। भाई प्रैक्टिकली कि इंजन शैम्पू कैसे वर्क करता है, तो अभी मैं आपको देखो ये अपन ने चैन कवर उतारा है इसका, और इसके पीछे जो गंदगी है ना वो आप देख लो भाई, कितनी गंदी गंदगी लग रखी है इसमें, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। तो ये मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ इंजन शैम्पू के साथ, ये लो भैया, और यहाँ मैंने हल्का सा ये डाल दिया है, अब इसके ऊपर रब करेंगे बस अपन। अब आप ये दोनों एरियाज आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर अपन ने इंजन शैम्पू लगाया था, ये एरिया है जहाँ अपन ने इंजन शैम्पू लगाया था, और ये एरिया है जो नॉर्मल है। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क आया भाई, मैं हाथ लगाने के बाद ही फील कर पा रहा हूँ, और शायद ये गोलू भाई हैं ये फील कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो साफ़ किया है। इंजन के जितने भी कंपोनेंट्स होते थे उसके ऊपर पुराना ऑयल चढ़ चढ़ के, तो उस पर ना एक हल्की सी एक मिट्टी की एक लेयर जम जाती है, तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके एक सर्विस पे नहीं तो, बट आप 2 सर्विस के बाद एक टनल पे इंजन शैम्पू या इंजन फ्लश यूज़ करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको कैस्ट्रोल का
या फिर लेकी मॉली का इंजन फ्लश के नाम से भी आता है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी प्रॉपर। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेन कवर लगाते हैं, देन उसके बाद भैया टेस्ट करके आएंगे मेरी बाइक को ले जाके। ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर दोनों डल चुका है भैया, डिस्पेट दोनों ठीक है, डिस्पेट दोनों ठीक हैं। तो बस इनफ है अपनी सर्विस, इतना ही होना था। बिल निकलवाते हैं, बिल बताते हैं आपको कितने का आया है। बहुत मैं जानता हूँ कि शायद रॉयल इनफील्ड के बराबर सस्ती कोई भी चीज़ नहीं है, तो बिल ज़्यादा आने वाला नहीं है, मे बी 1000 और इससे भी कम हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, वो तो बिल आने के बाद ही पता लगेगा। जो बिल आया है वो आया भाई 983 रुपीज़, बहुत रीज़नेबल सर्विस प्राइस है, मैंने आपको बोला था रॉयल इनफील्ड का। और जो भाई ये हिमालयन है, 10,000 किलोमीटर का रिव्यू देने के लिए रेडी हूँ। व्लॉग आप जब कहेंगे तब इसका व्लॉग बना के डाल दूंगा, जब आप रिव्यू का व्लॉग कहेंगे। एनीवेज भाई लोगों अब चलते हैं घर पर, टाइम हो चुका है 4:30 अभी हुए नहीं है। थैंक्स टू दुष्यंत भैया कि उन्होंने मेरे को 1 घंटे के अंदर ही सर्विस करके दे दी, तो ये अपनी कंपनी है भाई, मज़ा आता है यहाँ पर आने पर लिटरली। और जो सर्विस प्राइस निकली वो बहुत अच्छी थी, तो टाइम नहीं लगाते हैं, बस पैकिंग करता हूँ अपने कपड़े शपड़े पहनता हूँ, जैकेट और बैग, फिर निकलते हैं अपन घर के लिए और मिलते हैं सीधा आपसे GoPro पर। सो जो साइन आ रहा था भाई सर्विस का वो हट चुका है, थैंक्स टू बचामदी मोटर्स जो इतने अच्छे से सर्विस करके इतने रीजनेबल प्राइस में। चलो जी अब चलते हैं घर की तरफ, जल्दी आएंगे वापस टूर कंप्लीट करने के बाद, उससे पहले नहीं। ओए क्यों भाई, जाना नहीं है मायके से, अब थोड़ा सा राइड कर लूँ, क्या चेंजेस लग रहा है मुझे इसमें। लाइटली स्मूथ, आई एम नॉट से कि प्रॉपरली स्मूथ, लाइटली स्मूथ, और शायद हो सकता है थोड़ा चलने के बाद और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, बट अभी लाइटली स्मूथ हो चुकी है। ये हाल हो जाता है राइड में, गर्मी में राइड करने के बाद, ये देखो भाई जो पसीना आ रहा है, जो स्वेटिंग हो रही है इस टाइम पे, बहुत गंदी स्वेटिंग हो रही है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ अवॉइड करना फ़ैन की, और लिटरली बता रहा हूँ पूरी टी शर्ट जो है ना वो स्वेटी स्वेटी हो चुकी है। एनीवेज भाई लोगों ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, सर्विस कैसी लगी आपको बाइक की, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना प्लीज़, जिससे आपका भाई मोटिवेट हो फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी हो जाए। तो एनीवेज भाई लोगों इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त, एंड नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बता देना, अपडेट कर देना, मैं क्रिएट कर दूँगा, वो मेरा काम है। बाकी आप अपना काम करो, कमेंट करके बताना कि ये वाला व्लॉग कैसा लगा और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर चाहिए। तो चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।